झांसी के सकरार थाना क्षेत्र के कनौरा गांव से महिला की हत्या कर सबको गायब करने का आरोप लगाया जा रहा है। एसएसपी से शिकायत करते हुए उमेश पाल निवासी बैंदा महोवा ने बताया है कि उसकी बहन छाया पाल की शादी 3 साल पहले जयहिंद पाल से हुई थी। 16 अगस्त 2021 को उसकी बहन लापता हो गई थी। उमेश पाल ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन की ससुराल वालों ने हत्या कर सबको गायब कर दिया है। बहन का शव बंजारीपुरा पृथ्वीपुरा नेवाड़ी में मिला था। वह रिपोर्ट लिखाने के लिए लगातार चक्कर लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पुलिस कहती है कि डीएनए रिपोर्ट के बाद ही रिपोर्ट लिखी जाएगी। उमेश पाल ने रिपोर्ट दर्ज कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संवाददाता जगदीश की रिपोर्ट। उमेश पाल कहाँ रहते हो? हम ग्राम बैंदो के निवासी है। अरे जिला कौन सा है? महोबा। मामला क्या है तुम्हारा? मामला हमारा सर ये है कि हमारी जो बहन थी छोटी वाली, उसको ससुराल वालों ने मार दिया जान से। ससुराल कहाँ थी? ग्राम कनौरा थाना सकरा जिला झांसी उत्तर प्रदेश। तो उन्होंने उसको जान से मार दिया। बहन का नाम क्या था? छाया पाल। और उसने उनको मतलब मार दिया उन लोगों ने, ससुराल वालों ने। उसके क्या कार्रवाई रिपोर्ट लगाई तुमने? रिपोर्ट हम लोग सर थाने जाते थे तो बोलते थे तुम्हारी बहन भाग गई है और 365 में मुकदमा दर्ज है। जब लड़की मिल जाएगी, जो हालतें मिलेगी उसी हिसाब से धाराएं बढ़ा दी जाएंगी। जबकि हमारी बहन 3 जनवरी को मिली, तालाब में डली थी। वहाँ के सरपंच ने हम लोगों को सूचना दी, क्योंकि हम लोग ढूंढते रहते थे, तो सूचना दी हम लोगों को कंकाल अकेले मिले। तो उसके बाद पुलिस ने कोई आगे ना तो कार्रवाई की ना ही कुछ किया है, और बोलते हैं जब डीएनए आ जाएगा तब आपकी जांच होगी। सर हम लोगों ने लेकिन साड़ी से, कान के फूल, दांत के जबड़ों से पहचान बताई है कि हमारी बहन यही है। ये मामला है सर अगस्त का। हम इतनी यहाँ पे कम से कम 10-12 बार आ चुके हैं, कोई आराम नहीं मिला, कोई ना मदद।